अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मे रियान हूँ, मैं एक हर्बलिस्ट न्यूट्रिशन हूँ। आज मैं बताऊँगी आपको अंडर आर्म्स के बाल आपने किस तरह से वैक्स करने हैं। ये देख लें, आपने इस तरह से वैक्स को गर्म कर लेना है। वैक्स इतनी गर्म हो कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है। आपने अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है, ठंडा करके ना इसको वैक्स को लगाएंगे। आपने इस तरीके से लगाना है कि बालों के ना डायरेक्शन में लगाना है और अपोजिट आपने खींचना है। ये देखें, ये हमने इसको ठंडा कर लिया, इसको हमने लगा दिया, गर्म तो नहीं है बस। अच्छा, आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है जो हम लोग यूजली नहीं करते और निशान पड़ जाते हैं। आपने ना यहाँ पे इस तरह से करना है कि जब आपने वो कपड़ा लगाना है या आपने इधर वो पैच लगाना है, उसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने उसको इस तरह से तिरछा रखना है, ठीक है, तिरछा रखना है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कहते हैं आप ही हम कर नहीं सकते, कैसे करें, हमारे बाल रह जाते हैं। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ कि आपने ना तिरछा रखना है। उनको समझ नहीं आती बात की, अपोजिट खींचना है, तिरछा रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। ये देखें, आपने इसको करके और उसके बाद बिस्मिल्लाह। ये देखें, जहाँ जहाँ से निकले हैं वो निकल गए। ये देखें, ये बाल है, ठीक है। और ये जो बाकी रह गए इसको भी हम लोग क्लीन कर लेंगे क्योंकि यहाँ के बाल कुछ हार्ड होते हैं, तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे जहाँ जहाँ रह गया। ये देखिए, इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, ये हमने तिरछा रखा है अपोजिट डायरेक्शन में। जो कपड़ा रखेंगे, जो चीज़ रखेंगे, उसको हम तिरछा करके रखेंगे। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गया। इसको खींचना है और ये देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा वो होता है, आपने इसको सॉफ्टली खींचना है।